व्लॉग। तो आज है 30 अगस्त और इज़ा को आज 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे अभी मुश्तबा की कॉल आई थी कि वो इज़ा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा केक ला रहे हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि हम लोग नॉर्मली बस ये करते हैं कि कोई ना कोई इज़ा को अच्छे से तैयार करके हर मंथ उसकी पिक्चर ले लेते हैं क्योंकि हमें एंड में 12 मंथ्स की प्यारी सी रील बनानी है। लेकिन आज मुश्तबा इज़ा के लिए केक ला रहे हैं और अभी इस वक्त बज रहे हैं 9:10 हो रही है और मुझे 9 बजे तक कॉल आई थी। तो मुश्तबा अभी आते ही होंगे तो वो जैसे आते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Meanwhile, आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये आप देख रहे हैं मैंने कितना प्यारा। अच्छा बाय द वे ये जो है वो मुश्तबा है और इस बच्चे पे फोकस करें, ये बिल्कुल इज़ा का बचपन है। ये प्रूव है कि इज़ा मुझ पे बिल्कुल नहीं गई है, इज़ा अपने पापा पे गई है क्योंकि मैं बचपन में बिल्कुल अलग दिखती थी। हाँ तो मैं ये बताई थी कि जो मेरा बहुत ही प्यारा सा शीशा था जिसमें मैं अपनी फुल लुक लेती थी, ये मुश्तबा ने तोड़ दिया। कल रील बनाते बनाते आराम से इस पर वज़न दे के इसको तोड़ दिया और अच्छा खासा शीशा मेरा ख़राब हो गया। अब पता नहीं कब सही होगा, हमारे यहाँ पे चीज़ें पता नहीं कभी नहीं आएगी। तो शायद मुश्तबा आ गए हैं तो मैं आपको लेके चलती हूँ गेट पे। क्योंकि लाइट गई हुई है तो मुझे फ्लैश लाइट खोलनी पड़ेगी। आइए मुश्तबा, ठीक ठाक। ओहो इज़ा क्या कर रही है? इज़ा खेल रही है। व्लॉग शुरू कर दिया तुमने? हाँ। ये पिछली बार बेबी बाबा आपके लिए केक लाए हैं, ये देखो। अरे वाह इस बेचारे, अरे इसको समझ में आ रहा है? इसे आपको समझ में आ रहा है क्या? ओए होए थ्री मंथ्स क्यों हो गए आप? तो अभी आपको केक दिखाते थे। ओहो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ओह भूख लगी है, केक खाना। केक खाओगी? उसको हल्का सा चखाएंगे केक। हाँ जी नहीं भाई हल्का से इतना ना, इसके हिस्से का मैं खा लूंगी ना। चलो तो इज़ा की खाना जो है वो भी आई हुई है लेकिन उनको अभी कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आना। तो खैर और इज़ा की खाला रिदा खाला ने क्या किया है आप देखें क्या किया है। तो यार मैं केक लाया हूँ, बता थी देखो केक कैसा है बताना। देखो 1 2 3 हेलो किटी, मेरी किटी के लिए हेलो किटी। इसे देखो कैसे बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। और आपको रो रो नो 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 यो लॉन्ग गुड्डू, केक पसंद नहीं आया? इसे आप केक लेके आया था, मैं इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छा वाला केक लेके आया था लेकिन अभी उसने रोना शुरू कर दिया, शायद इसको पसंद नहीं आया। आपको केक पसंद नहीं आया? हाँ क्या हुआ? इधर ये देखो केक, तो देखो 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 ये देखो गुड्डू। हाँ केक तो कितना प्यारा है, वाह अपने आप देखो ना कि हाँ इधर कट कट कर दे इधर मामा का। तो वही चलो यार ये हटा ना गत्ता, ये इधर का केक।
चलो भाई अब लगाते हैं इसके ऊपर कैंडल। और करते हैं इसकी स्टार्टिंग। ये देखें, ये केक की हालत देखें, ये क्या हुई है। केक काटने से पहले केक पूरा खराब हो गया। और केक खराब किसने किया है? इज़ा की खाला ने किया। और इज़ा की खाला का हाल दिखाते हैं आपको। ये क्या किया है आपने? जो रिदा की खाला ने जो केक खराब किया वो अच्छा हुआ कि बैक साइड से है तो इतना नहीं पता चल रहा, इसको इग्नोर करना और फ्रंट वाला साइड देखो। यहाँ से केक काटते हैं। अच्छा बच्चे रोते हैं लेकिन ऐसा क्या था? क्या था? क्या किया आपने? केक कट किया? गुड्डू 6 मंथ की हो गई। चलो अभी केक काट और खाते। कैसी हो? पंखा बंद हो गया। पंखा दे। हाँ ये इज़ा का टॉय है, इसी को देखो। चलो पंखा खोल दो भाई। पंखा बंद हो गया, पंखा खोल दो। ये क्या है? ये आपने लगाया है? ये हरकत हम मुझसे भाई कर सकते हैं क्या यार? मुझसे चलो अभी केक काटते हैं। तो भाई ये केक एंड तक यही खा रही है, बाकी सब ने खा लिया। कैसा है केक? बहुत अच्छा भाई। केक किसने ये आदत कर दी है, डायरेक्ट खा रही है, बंदा प्लेट में लेके खाता है। तुमने साइड पे किया हुआ है ना, ये केक जाहिर सी बात है हम लोग दो और इज़ा की दो खा लें, चार बंदों में वो केक उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। तो अभी केक अभी हम इज़ा के नाना नानी और दादा दादी को, नानी तो उसकी करबला गई हुई है तो नाना को केक भिजवा देते हैं और खा लें तो यहाँ आ गई। और बाकी दादा दादी और मामू तो आई नहीं, चाचू को केक भिजवाते हैं। तो फिर इसके बाद का क्या सीन है, कहीं जाना है भाई? केक मेरी तरफ से वह डिनर तुम करा दो। तो यार ये सीन है, मज़ा आया केक काट के। जैसा कि 3 महीने हो गए, अल्लाह से लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ इंशाल्लाह, इसकी 1 ईयर वाली भी बड़ी करेंगे। अच्छा ये 3 महीने की हुई है, 1 साल की हुई है? 1 साल की हुई, 9 महीने पेट में हुई थी। मेरे हिसाब से 1 साल की हुई ना। तो भाई है ना यार, वो भी तो 9 महीने काउंटिंग में आएंगे ना, वो माइनस थोड़ी हो जाएंगे। चलो यार अभी व्लॉग के यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत मज़ा आया मेरे। अच्छा ये आइडिया वैसे मेरे दिमाग में पर्सनली नहीं था, मैं ऑफिस खुली गई, नाजिश आप लोग जानते हो व्लॉग में देखा होगा जिसमें हम लोग गए थे पिछली दफ़ा, उन्होंने मुझे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि यार आज इज़ा के 3 महीने पूरे हो। तो उसने मुझे बोला यार केक भी लेके जा, तो मुझे ये आइडिया आया, मिला यार गुड आइडिया, आइडिया है। नाजिश भाई थैंक यू, और फिर यहाँ व्लॉग को इसको एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। यार हम लोग ने तो सारा केक भी काट के, अब हम फ्रेश हुए, अभी हम खाना वाना खाएंगे, लेकिन नवाब हमारी सो गई है, गुड्डू हमारे ये सो चुकी है, मस्त हो गए। गुड्डू नहीं, इसको सोने दो यार, प्यारी सी बेबी है।
मिलते हैं आपके साथ छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।